हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर से ऑनलाइन क्लास क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर 2। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 3, 2.7 डिवाइड 100। और देखिए, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। डिवाइड को सिंप्लीफाई करना ईजी होता है। डिवाइड को हटाने आपको मल्टीप्लाई लगाना है, और डिवाइड के बाद जो डिजिट है उसको रेसिप्रोकल करके राइट करना है। अब 100 के अकाउंट में कुछ नहीं, तो आप क्या लगा सकते हो? 1। 2.7 डिवाइड को हटाइए, आपने क्या लगाया? मल्टीप्लाई। अब इसको रेसिप्रोकल करके राइट करेंगे, 1/100। ऑलवेज रिमेंबर, डिवाइड को आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, डिवाइड को हटाना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और डिवाइड के बाद जो डिजिट है उसको रेसिप्रोकल करके राइट करना है। अब देखिए, इसका डेसिमल आप हटा सकते हो, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो अकाउंट में 10। अब क्या होगा? देखो, 27 ऊपर की डिजिट ऊपर से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 27 मल्टीप्लाई 1 27, 100 मल्टीप्लाई 10 1000। अब देखिए, आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, और फ्रैक्शन को अगेन डेसिमल में चेंज करना आना चाहिए। अकाउंट में कितनी डिजिट है? अगर कितनी जीरोज है? 3 जीरो। इट मीन्स बैक साइड से 3 डिजिट बाद आपको डेसिमल यूज करना। 1, 2। अब देखिए, 8 डिजिट कम है, तो आप अपनी तरफ से क्या लगा सकते हो? 0 पॉइंट। तो आप आंसर दे सकते हो 0.027 आंसर। ऐसे आप सेकंड पार्ट सॉल्व करिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास 0.3, डिवाइड को हटाया आपने, क्या लगाया? मल्टीप्लाई। इसके अकाउंट में कुछ नहीं, तो क्या लगा सकते हो आप? 1। रेसिप्रोकल करके राइट किया, 1/100। इसका भी डेसिमल हटाया आपने, अकाउंट में 10। अब देखिए, नीचे कितनी जीरो? 1, 2, 3। 3/1000। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 ही आएगा, तो 3/1000। अकाउंट में कितनी जीरो? 3 जीरो। इट मीन्स 3 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना, 1 डिजिट 2 3। तो डेसिमल आपने ये लगाया, तो ये आया आपका आंसर 0.003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7.9 डिवाइड 1000। ऐसे ही आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। डिवाइड 7.9, डिवाइड बटाया मल्टीप्लाई लगाया, 1000 के अकाउंट में कुछ नहीं, तो आपने क्या लगा दिया? 1। रेसिप्रोकल करेंगे, 1000/1 का रेसिप्रोकल 1/1000। इसका भी डेसिमल हटाएंगे आप, डेसिमल के बाद 1 डिजिट अकाउंट में 10 लगाए। सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इसको, 79 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 79, और अकाउंट में कितनी जीरो? 1 के साथ 40, 40, 3+1, 40। अब देखिए, अकाउंट में कितनी जीरो? 4। तो 4 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना है, बैक साइड से काउंट कर, 1, 2, 2 तो है हमारे पास, 1, 2, 3, 4। डेसिमल आपने ये लगाया, तो आपका है 0.0079 आंसर। सेकंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। 26.3 डिवाइड को हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, इसके अकाउंट में कुछ नहीं, तो आपने 1 लगाया, 1/1000 रेसिप्रोकल किया। डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 10 लगाया, तो आपके पास 263/40। 4 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगाना है, 3620, ये पॉइंट 1, 2, 3, 4 ये लग गया पॉइंट आपके पास, तो 0.0263 आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट, ये भी डिवाइड वाला है आपके पास। इसके अकाउंट में क्या लगा सकते हो? 7 डिवाइड बटाया, क्या लगाया? मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल किया, 3.5/1 का रेसिप्रोकल, 1/3.5। अब डेसिमल आपको हटाना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो ऊपर 0 लगेगा, राइट? ठीक है, 3.5 जैसे अपॉन में 10 लगाओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डायरेक्ट। इसका मतलब, जब अपॉन में आपको डेसिमल हटाना है तो ऊपर लगा दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, देखिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। 7, 7 × 7, 7 × 5 = 35। 5 × 5, 5 × 2 = 10। आंसर इज 2/1 = 2 आंसर। ऐसे सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है आपको। 36
डिवाइड बटाया आपने क्या लगाया, मल्टीप्लाई लगाया, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो आप क्या लगा सकते हो, वन लगा सकते हो। डिवाइड को हटाया, मल्टीप्लाई लगाया, डिवाइड के बाद वाले डिजिट को रेसिप्रोकल किया, 0.2 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0.2। अब देखिए पॉइंट टाइम है तो ऊपर देखो पॉइंट टाइम तो आपने ऐसे अपॉन में 10 लगाया तो ये डिवाइड में डिवाइड, इट मींस ये 10 ऊपर ही आ गया है, ये प्रोसेस है। तो जब डिवाइड में डेसिमल हो तो ऊपर आप 0 लगा। अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे, 2 1 2 2 1 2 2 8 16 18 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 × 10 180 आंसर। तो ऐसे ही आपको बाकी भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज 2.7 के सॉल्व करना है।